हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट ब्रेकर प्रोजेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो मिनी इन्वर्टर 45 वाट आज हमने बनाया हूँ। और देखिए 9 वाट का एलईडी या 18 वाट का एलईडी हमने यहाँ पर जला के दिखा रहा हूँ आपको। तो चलिए इस सर्किट बोर्ड के बारे में आज जानेंगे। और जो सर्किट इफेक्ट प्रोजेक्ट चैनल पर देख रहे हैं वीडियो और सर्किट इफेक्ट पर देख रहे हैं, तो दोनों चैनल हमारा ही है और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक में प्रोजेक्ट से रिलेटेड आता है, एक में सर्किट रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आता है। तो ये रिपेयरिंग से रिलेटेड जुड़ा हुआ वीडियो इसलिए दोनों चैनल पे हमारा आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में सारी चीज़ को आपको दिखाते हैं। इसका पार्ट टू वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तो ये मिनी इन्वर्टर हमने एक इंडिया मार्ट वेबसाइट से मंगाया हूँ, जहाँ से होलसेलर ही सेल करता है। एक नहीं 10 पीस, 15 पीस या 100 पीस, 150 पीस में उन लोग डील करता है। तो वहाँ से मैंने एक पीस मंगाया हूँ, रिक्वेस्ट करने के बाद मुझे मिला है। थोड़ा सा रेट ज़्यादा पड़ा है, रेट उसने बोला कि ज़्यादा लगेगा, तो रेट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। 380 रुपये के आसपास ये मुझे कॉस्ट पड़ गया। देखे तो कहीं पे कम मिल रहा है, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास ये बोर्ड है। इस बोर्ड में छोटा सा यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर IC लगा हुआ है। IC के थ्रू यहाँ पे पावर सप्लाई चार्जिंग बोर्ड का कनेक्शन दिया हुआ है, जो भी रेट है अच्छा ही है। और यहाँ पे चार्जिंग आउटपुट यहाँ पे 12 वोल्ट या 15-16 वोल्ट आती है और उसके थ्रू यहाँ पे बैटरी चार्ज होती है। तो छोटा सा एक पूरा कंप्लीट मिनी इन्वर्टर बोल सकते हैं इसको फ्रेंड। तो ये मिनी इन्वर्टर 45 वाट का है। तो चलिए मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ बैटरी को, और देखिए यहाँ पे एक स्विच का क्लिप दिया हुआ। इस क्लिप को शॉर्ट करेंगे तो आपका जो है ये ऑन हो जाएगा इन्वर्टर और पूरे तरीके से चलने लगेगा। बहुत ही कमाल का ये मिनी इन्वर्टर है और सर्किट भी बहुत ही अच्छा लगा। कुछ कुछ चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ और एक NPTC करके एक ब्लैक कलर का यहाँ पे लगा हुआ, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा फ्यूज के बगल में, वो एक सेफ्टी का काम करता है पावर सप्लाई का। जब हाई वोल्टेज आएगा तो ये फ्यूज और ये NPTC ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और सेफ्टी का काम करता ही है। इसलिए वहाँ पर कभी भी उड़े NPTC या ये सब तो ज़रूर लगा दे पावर सप्लाई में। हमने आज तक तो नहीं लगाया, लेकिन अगर कॉस्ट ज़्यादा हो जाता फ्रेंड इसलिए हमने नहीं यूज किया, लेकिन हो सके तो आप लगाएंगे तो चलेगा। हमने वीडियो में हर वीडियो में बताया कि जो भी लगे रहते हैं वो सारी चीज़ अगर मिल जाता तो लगा दे। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर कनेक्शन कर रहा हूँ। एक पॉइंट जो हमारा यहाँ पर ग्राउंड वाला पॉइंट कनेक्शन कर रहा हूँ। बीच वाले जो हमारा आउटपुट है, बीच वाली पिन आउटपुट है, और साइड वाली पिन है। एक तो आपका जो कॉमन टाइप का होगा, जो कि मोटा पिन होगा, उसमें दोनों का जुड़ेगा। तो यहाँ पे बीच वाले पिन आउटपुट है और साइड वाले पिन, जो कि अभी मैं जोड़ूंगा, ये कि यहाँ ग्राउंड हो गया, जहाँ ब्लैक वाला अभी जुड़ा, ये ग्राउंड है मेन लाइन का भी और आउटपुट लाइन का भी। तो देखिए मैं अभी मेन लाइन का जोड़ रहा हूँ, ये रेड वाली को लास्ट में जोड़ देंगे। यहाँ से हमारा मेन लाइन इसमें आएगा, तो ये हमारा मेन लाइन हो गया और दो वायर जो नॉर्मली निकला हुआ वो आउटपुट है। तो ये हमारा मेन लाइन और दो नॉर्मली, देखिए मेन लाइन को मैं 2 पिन में जोड़ रहा हूँ। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा। और वो इसी तरीके से आपको कनेक्शन करना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसलिए मैं सर्किट डायग्राम के साथ इसमें नहीं किया हूँ, लेकिन आपको फिर भी इसमें समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। अगर नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं, मैं आपको कनेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर दूँगा। तो चलिए यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते हैं और आपको एक LED लाइट यहाँ पे जला के दिखाते हैं, और पार्ट टू में इसका पूरा कंप्लीट असेंबल करके आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे लिथियम बैटरी का मैं यूज कर रहा हूँ। अगर लिथियम बैटरी आपको बनाना है या परचेज करना है तो आप हमसे परचेज कर सकते हैं ओरिजिनल। और इस बैटरी को बनाना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वीडियो को देख के एक लिथियम बैटरी आप बहुत ही कम कॉस्ट में तैयार कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे इन्वर्टर चार्जिंग हमारा हो रहा है और चार्ज मतलब हमारा बैटरी डाउन, इसलिए चार्ज नहीं हो रहा है। तो बैटरी को चेंज करेंगे हम। दो बैटरी मैंने लिथियम बैटरी बनाया, तो ये बैटरी को चेंज किया और देखिए फ्रेंड यहाँ पे बैटरी हमारा चार्ज ले रहा है। थोड़ा सा भी डाउन रहेगा तो चार्ज होने लगेगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर कट हो जाएगा। ये बैटरी हमारा 2500 mAh का है, लगभग 4 घंटा में चार्ज होता है। तो यहाँ पर उतना पावरफुल चार्जिंग नहीं है, तो अपना पावरफुल चार्जिंग चाहिए तो अलग से बोर्ड लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे चार्ज करके लाइट को जला के देखते हैं इन्वर्टर से। ये देखिए हमारा इन्वर्टर से लाइट बहुत ही कमाल का जल रहा है। तो इतना अच्छा लाइट आपको दूसरे इन्वर्टर में नहीं मिलेगा, मतलब दूसरी चीज़ में नहीं मिलेगा,
दूसरी इमरजेंसी लाइट में। तो ये इमरजेंसी लाइट बहुत ही कमाल का बनने वाला है, पार्ट टू में आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए भाई फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।